हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विशाल और आज हम बनाने वाले हैं वॉल क्लाइंबिंग कार। ये एक साइंस प्रोजेक्ट है जो कि आप अपने स्कूल के अंदर, अपने कॉलेज के अंदर दिखा सकते हो। इस कार की खास बात यह है कि आप इसको जमीन पे चला सकते हो, दीवार पे चला सकते हो, इसको आप छत के ऊपर भी चला सकते हो, मतलब आप इसको कहीं भी चला सकते हो, ये सब जगह पे चली जाएगी। और इसकी रेंज है वो भी काफी ज्यादा है, लगभग 1 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। तो फाइनली गाइस, वीडियो को चालू करते हैं और वीडियो देखने के बाद अच्छे लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस प्रोजेक्ट के अंदर जो भी सामान यूज़ करेंगे वो सारा लाइट वेट होना चाहिए, इसीलिए हम N20 गियर मोटर का यूज़ करने वाले हैं। 4 मोटर का यहाँ पर यूज़ करेंगे 4 व्हील्स के लिए। साथ ही में एक BLDC मोटर की ज़रूरत पड़ने वाली है जो कि यहाँ पर 2200 KV की हम यूज़ करेंगे। आप कोई सी भी कंपनी की ये मोटर यहाँ पर यूज़ कर सकते हो अच्छी तरीके से। अब यहाँ पर हमें एक ESC की ज़रूरत पड़ने वाली है जो कि 20 एम्पेयर की ESC यूज़ करने वाला हूँ। 5 इंच का एक प्रोपेलर हम ले लेंगे इसके अंदर, और रिसीवर और ट्रांसमीटर की ज़रूरत पड़ने वाली है ताकि इसको रिमोट कंट्रोल हम ऑपरेट कर सकें अच्छी तरीके से। अब कोई सा भी ड्रोन का ट्रांसमीटर हुआ या फिर कोई रिमोट हुआ, उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि उसकी जो बैटरी होती है पीछे की साइड में, जो सेल होते हैं, वो काफ़ी जल्दी खत्म हो जाते हैं। इसके अंदर मैंने कल ही नई बैटरी डाली है और भाई यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो हमारी बैटरी वो आधी दिखाने लगा है, मतलब काफ़ी जल्दी ये ड्रेन कर देता है सारी बैटरीज को। भाई ये प्रॉब्लम हर बंदे के पास में होती है, लेकिन इसका सोल्यूशन मैंने निकाल लिया है। इसका सोल्यूशन है ड्यूरासेल सेल। भाई ये जो सेल होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं और ये दुगना चलता है, नॉर्मल बैटरी जो होते हैं ना उससे 2 गुना या ज़्यादा चलता है। भाई नॉर्मल बैटरी जो होती है वो लगभग आपको 15 रुपये की एक मिलेगी, और यहाँ पर जो है मैंने ऑनलाइन 20 रुपये में एक बैटरी परचेस की है। अगर ये पूरा परचेस करोगे तो यहाँ पर 10 सेल आपको 200 रुपये में मिल जाएंगे। यहाँ पर 5 रुपये आपको ज्यादा देने होंगे, लेकिन भाई यहाँ पर जो है ये 2 बैटरी का एक काम करेगी, मतलब 30 रुपये का एक बैटरी यहाँ पर काम करने वाली है। इसी टाइप से यहाँ पर AAA बैटरी भी है जो कि हमारे टीवी के रिमोट्स होते हैं, AC के रिमोट्स होते हैं, उनके अंदर आप यूज कर सकते हो। तो भाई ट्रांसमीटर के अंदर जो पुराने वाले सेल्स है उनको हम यहाँ पर निकाल देंगे और ड्यूरासेल को डाल देंगे। मार्केट में मिलने वाले नॉर्मल सेल और ड्यूरासेल के अंदर क्वालिटी में भी काफी देखने में अंतर आ जाता है। भाई अब ट्रांसमीटर की प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है। इनको मैंने अमेजन से परचेस किया था, अगर आप चाहते हो परचेस करना तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको वहां से परचेस कर सकते हो। अब इस प्रोजेक्ट को हम 3D प्रिंटेड बनाने वाले हैं। इसके लिए हमें एक हाई क्वालिटी फिलामेंट की जरूरत पड़ने वाली है। इसके लिए यहाँ पर मैंने फिलामेंट को मंगा लिया है। हम यहाँ पर स्क्रिबल कंपनी का फिलामेंट यूज करने वाले हैं। इसके अंदर हमें प्रीमियर क्वालिटी का फिलामेंट मिल जाता है, इसलिए मैं इसका यूज करने वाला हूँ। फटाफट से इसको ओपन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या निकलता है। हमें सबसे पहले मिलता है एक स्टिकर और साथ ही में एक कार्ड मिलता है जो कि स्क्रिबल का है, और पीछे की साइड में घुमाने पर यहाँ पर आपका नाम लिखा होगा, जैसे देख तो विशाल विश्वकर्मा मेरा नाम है, तो यहाँ पर ये नाम लिखा हुआ है, इनकी तरफ से डेडिकेटेड दिया गया है। साथ ही में एक बैग मिलता है जो कि आप देख सकते हो, इस टाइप का बैग है जिप वाला। ये क्यों दिया जाता है मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। भाई आप देख सकते हो यहाँ पर जो हमारा फिलामेंट है वो पूरा पैक होता है इस टाइप से, और जब भी हम इसको खोलते हैं तो ये खुले में रहता है और ये जो है नमी को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको खुले में नहीं रखना है और डायरेक्टली इस बैग के अंदर रख के जिप को लगा देना है ताकि यहाँ पर जो है कोई भी नमी ये पकड़े नहीं और हमारे जो फिलामेंट जो है वो अच्छी क्वालिटी का बना रहे। स्क्रिबल पे आपको सारी टाइप के फिलामेंट मिल जाएंगे, PLA, ABS, TPU या फिर कार्बन फाइबर। मेरे पास यहाँ पर अलग अलग टाइप के जो फिलामेंट आ चुके हैं, यहाँ पर देख सकते हो व्हाइट कलर का, ब्लैक कलर का, कार्बन फाइबर, यहाँ पर TPU वाला भी है देख सकते हो ये वाला। तो यहाँ पर ये काफी कम रेट के अंदर भी मुझे मिल रहे थे, तो सारे मैंने यहाँ पर ऑर्डर कर दिए हैं और यहाँ पर मंगवा लिए। अगर आप भी चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, और आपको अमेजन पे भी यहाँ पर ये स्क्रिबल का मिल जाएगा अच्छी तरीके से। तो या तो आप अमेजन से परचेस कर सकते हो या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस वेबसाइट से डायरेक्टली परचेस कर सकते हो। अब चालू करते हैं हमारी प्रिंटिंग को। अब भाई बहुत सारे कमेंट करेंगे कि विशाल भाई हमारे पास 3D प्रिंटर नहीं है, तो आप टेंशन मत लीजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर एक नंबर दिए हैं, उन पे आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे अपनी फाइल भेजिए और अपना जो भी प्रिंट करवाना प्रिंट करवा लीजिए, ठीक है भाइयों। तो उसके नंबर जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने सारा का सारा प्रिंट कर लिया है। आप देख सकते हो हमारे जो भी बॉडीज है सब कुछ हमारा प्रिंट हो चुका है, और इसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता है, लगभग मुझे 2 से 3 दिन लग चुके हैं इन सभी को प्रिंट करने में। तो यहाँ पर आप देखिए इस टाइप से हमारी पूरी एक कार बनने वाली है, और अब यहाँ पर हम क्या करेंगे भाइयों, इसको हम लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं स्क्रू का यूज़ करूँगा इसके अंदर की साइड में कसने के लिए। तो यहाँ पर 3D प्रिंटर जो है इसके अंदर इंसर्ट का यूज़ करेंगे ताकि यहाँ पर हम इसको स्क्रू के द्वारा कस सकें। तो भाई यहाँ पर मुझे इसका पूरा नाम कंफर्म याद नहीं है, इंसर्ट है या फिर कुछ और है, आप कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या नाम होता है इसका पूरा। और ये मैंने ऑनलाइन ही परचेस किए थे, ठीक है भाइयों। तो यहाँ पर मैं 3 होल कर रखे मैंने, इसके अंदर मैं लगा दूंगा इस टाइप से, और फाइनली गाइस यहाँ पर हमारे जो स्क्रू कस देंगे, और जब भी हम खोलना होगा इस कार को तो खोल भी सकते हैं। फाइनली गाइस अब यहाँ पर आप देखो बीच में हम यहाँ पर BLDC मोटर को लगाएंगे नीचे वाले चेसी के अंदर, तो 4 स्क्रू के द्वारा मैं इसको अच्छे से टाइट कस देता हूँ, और यहाँ पर हमारी BLDC मोटर जो है पूरी फिक्स हो जाएगी अच्छी तरीके से। तो फाइनली गाइस अब यहाँ पर आप देख सकते हो N20 जो मोटर्स है उनको चारों तरफ मैं लगाने वाला हूँ ताकि हम यहाँ पर 4 मोटर को लगा सके अच्छी तरीके से। 4 मोटर जो है हमारे चारों व्हील्स को घुमाएगी, और ये 4x4 होने वाली है हमारी।
तो फाइनली गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो हमने चारों मोटर्स को अच्छी तरीके से लगा दिया है अपनी पोजीशन पे। अब यहाँ पर देख सकते हो मैंने टीपीयू फिलामेंट का यूज़ किया है और यहाँ पर टायर बनाए हैं और साथ ही मैं यहाँ पर अलॉय व्हील भी बनाया है इसके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस टाइप से मैं इसको लगा दूंगा। टीपीयू फिलामेंट जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, जो हमारा टायर होता है उसी टाइप से होता है। तो यहाँ पर एक अच्छी खासी ग्रिप बना लेंगे। फाइनली गाइज यहाँ पर ये हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर मैंने चार इसके टायर बनाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अब मैं ले रहा हूँ इसके अंदर 9 ग्राम सर्वो मोटर जो होती है वो आपको पुरानी वाली यूज़ करनी है यहाँ पर, क्योंकि इसका ड्राइवर जो हम इसके अंदर से निकालेंगे और यहाँ पर हमें ड्राइवर की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पर मैं इसको खोल देता हूँ और यहाँ पर क्यों खोल रहा हूँ मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। इसकी जगह पर हम जो है एक एसी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन भाई वो काफ़ी ज़्यादा महंगी मिलती है, वो 2-3 हज़ार रुपये की मिलेगी आपको डीसी एसी। लेकिन यहाँ पर हमारा जो है कुछ ही रुपये के अंदर हम यहाँ पर जुगाड़ करके पूरा एक सिस्टम बना देंगे। तो अगर आप ये प्रोजेक्ट नहीं बनाते हो तो आप किसी नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए भी वीडियो को देख सकते हो, जो कि आपको जुगाड़ काफी पसंद आने वाला है। यहाँ पर जो सर्वो मोटर का ड्राइवर है, इस ड्राइवर के यहाँ पर जो मोटर लगी हुई थी, इन दोनों पॉइंट पे मैंने इस मोटर को कनेक्ट कर दिया है। और यहाँ पर कनेक्ट करने के बाद मैं इसको इस ट्रांसमीटर जो है उसका रिसीवर जो है उससे कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पर थोड़ा इसको सेट करना होगा। तो सबसे पहले हमारा जो ट्रांसमीटर है इसको ऑन करेंगे और ऑन करने के बाद में आप देखो यहाँ पर मैं इसको पावर सप्लाई दूंगा इसी एसी के द्वारा। यहाँ पर आप देखो इस बैटरी से मैं इसको कनेक्शन दे देता हूँ और जैसे यहाँ पर कनेक्शन चालू हो चुका है, यहाँ पर हमारी मोटर रन होना चालू हो चुकी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको स्टॉप करेंगे। इसके लिए यहाँ पर जो प्रीसेट लगा हुआ है, इस प्रीसेट को हमें 0 पोजीशन पर सेट करना होगा, तो हमारी मोटर यहाँ पर रुक जाएगी। जैसे मैं इसको 0 पोजीशन पर सेट करूँगा, देखो अभी यहाँ पर ये इस डायरेक्शन में घुमाएंगे क्लॉकवाइज में, तो यहाँ पर ये रन कर दी स्पीड में। इसको बीच में करेंगे तो बंद हो जाएगी और दूसरी डायरेक्शन में घुमाएंगे तो ये दूसरी डायरेक्शन में घूमना चालू हो जाएगी। तो हमें इसको 0 पोजीशन पे रखना होगा, ठीक है। तो मैं इसको 0 पोजीशन पे सेट कर देता हूँ, यहाँ पर बिल्कुल धीरे धीरे करना होगा। पहले इसको 0 पोजीशन पे सेट करने के बाद हम थोड़ा ग्लू डाल देंगे ताकि ये डिस्टर्ब ना हो और बाद में हमारा जो पूरा सिस्टम वो बिगड़े नहीं। तो यहाँ पर मैं हॉट ग्लू डाल दूंगा इसके अंदर। फाइनली मैंने इस टाइप से दो ड्राइवर को निकाल लिया है और यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, इन दोनों मोटर को इस ड्राइवर से कनेक्ट करूंगा और इन दोनों मोटर को इस ड्राइवर से कनेक्ट करूंगा, ताकि ये जो दोनों मोटर्स है एक ड्राइवर से चलेगी तो क्या होगा कि हम इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज करेंगे तो हमारी जो कार है वो मतलब टर्न भी ले सकती है और फॉरवर्ड और बैकवर्ड भी चल सकती है इजिली। यहाँ पर इसका कनेक्शन हो चुका है, आप देख सकते हो ये वाली मोटर और ये वाली मोटर दोनों को वायर मैंने एक साथ कनेक्ट कर दी है यहाँ पर, और इस मोटर का और इस मोटर का कनेक्शन मैंने एक में लगा दिया है, ठीक है। अभी यहाँ पर इसके लिए इन दोनों मोटर के लिए ये वाला ड्राइवर हो चुका है और इन दोनों मोटर के लिए ये वाला ड्राइवर हो चुका है, जिसको मैंने यहाँ पर जो हमारा रिसीवर है उसके फर्स्ट और सेकंड चैनल के अंदर लगाया है, और यहाँ पर जो ईएससी है इसको मैंने थर्ड चैनल के अंदर लगाया है, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, इस ईएससी को इस मोटर से कनेक्शन करने वाला हूँ। पहले मैं डी शॉट की ईएससी यूज़ कर रहा था, लेकिन भाई यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है कि डी सेट की जो ईएससी है उसके लिए अलग से पावर सप्लाई देना होगा इसको, तो यहाँ पर हम इस वाली ईएससी का यूज़ करेंगे नॉर्मल वाली का। फाइनली गाइस यहाँ पर मैं इसका कनेक्शन कर देता हूँ इसके अंदर तीनों वायर को, और यहाँ पर अब इसको मैं चलाकर दिखाने वाला हूँ आपको। हमारा जो ट्रांसमीटर है इसके अंदर हमें एक सेटअप करना होगा, जो कि आपको मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर अभी यहाँ पर हमें इसके अंदर जाना होगा सेटअप के अंदर, और यहाँ पर आप देख सकते हो मिक्स आपको यहाँ पर ढूंढ मिक्स के अंदर आपको जाना है। मिक्स के अंदर जाने के बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो मिक्स वन जो है इसके अंदर आपको मास्टर जो है चैनल टू रखना है, और स्लेव जो है आपको यहाँ पर चैनल वन रखना है, और यहाँ पर आप देख सकते हो नेक जो है यहाँ पर आपको 100 रखना है, और यहाँ पर पोज जो है वो भी 100 रखना है, ठीक है। इस टाइप से हम जो है मिक्स टू रखेंगे और मिक्स टू के अंदर जाएंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा मास्टर जो है वो चैनल वन है और स्लेव जो है यहाँ पर चैनल टू है, और यहाँ पर देख सकते हो नेक जो है वो -100 है और पोज भी है -100 है, ठीक है। इसी टाइप से रखना है। अब यहाँ पर जाना है आपको रिवर्स के अंदर, ठीक है। अभी रिवर्स के अंदर जाना होगा हमें, रिवर्स के अंदर, और रिवर्स के अंदर आप देख सकते हो चैनल वन जो है हमारा रिवर्स है और चैनल टू जो नॉर्मल रहेगा। तो अब यहाँ पर हमने पूरा सेटअप कर दिया है, अब यहाँ पर इसको चलाकर देखने वाले हैं। फाइनली गाइस अब यहाँ पर देख सकते हो हमारे जो राइट साइड वाली जो जॉयस्टिक है उसको हम जैसे ऊपर की साइड में क्लिक करेंगे मतलब मूव करेंगे तो हमारी चारों मोटर जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी। देखो अब इसको पीछे की साइड में करेंगे तो हमारी जो चारों मोटर बैकवर्ड डायरेक्शन में घूमेगी, और लेफ्ट घुमाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हो दो मोटर जो क्लॉकवाइज घूमेगी, दो जो है एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी इस टाइप से। देखो तो हमारे जो यहाँ पर ये टैंक की जैसे मूवमेंट करेगा, और फाइनली गाइस यहाँ पर जो हमारे लेफ्ट साइड की जो जॉयस्टिक है इसको जैसे हम ऊपर की साइड में करेंगे तो हमारे जो बीच में ये मोटर लगी हुई है ये हमारी मूवमेंट करेगी इस टाइप से। तो फाइनली गाइस यहाँ पर देख सकते हो जो भी कंट्रोलर है इनको हमने यहाँ पर ग्लू गन से चिपका दिया है। इसी टाइप से हमारा जो रिसीवर है और यहाँ पर ईएससी है इसको भी इसके अंदर हम चिपका देंगे, और यहाँ पर 1000 mAh की हम 3S बैटरी का यूज़ करेंगे जो कि हमारे इसके अंदर हम लगाने वाले हैं। तो फाइनली गाइस फटाफट से इन सभी को मैं सेट करके आपको दिखाता हूँ। फाइनली यहाँ पर सब कुछ सेट हो चुका है, ईएससी और हमारा जो रिसीवर है वो आगे साइड में लग चुका है, और यहाँ पर ड्राइवर पीछे की साइड में लग चुका है। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, प्रोपेलर लगाना होगा। लेकिन प्रोपेलर हमें क्या करना होगा भाई, इसको उल्टा लगाना है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो प्रोपेलर है
वो हमारा इस टाइप से लगता है, ठीक है। जब भी ये घूमता है तो नीचे की साइड में हवा को फेंकता है, लेकिन हमें यहाँ पर जो प्रोपेलर उल्टा लगाना है इस टाइप से। जब भी ये घूमेगा तो हवा ऊपर की साइड में फेंकना चाहिए, तो यहाँ पर को इसको इस टाइप से लगाकर हम इसके अंदर फिट कर देते हैं। अच्छे से टाइट करना है, हमारी बैटरी जो इसको पीछे की साइड में लगाएंगे। अब हमारा जो ऊपर का ये बॉडी है इसको इस टाइप से लगा देंगे स्क्रू। फाइनली गाइस, आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत, बाय एवरीबॉडी।